बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अभी जो है माहौल फिर से बिगड़ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो बस हमने सोचा कि थोड़ा सामान, थोड़ा क्या मतलब, थोड़ा ज़्यादा ला के रख लेते हैं, ताकि पता नहीं आगे चल के क्या होगा और सामान मिलना होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा और क्या सिचुएशन रहेगी। तो बस हमने डिसाइड किया कि नहीं, आज सामान तो लेके ही आना है। तो बस हम लोग निकल गए हैं घर, और से बच्चों को तो नहीं ले गए हैं, घर पे ही छोड़ दिया है, और हम दोनों लोग ही गए थे सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे जो भी ग्रॉसरी की हमें ज़रूरत थी, मैं यहाँ पे सब ले रही हूँ एक एक करके, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शूट करने का अलाउ नहीं है, तो बस जो मैं कर पा रही हूँ उतना आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डी मार्ट में कितना सारा डिस्काउंट होता है, काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर एक बार का सामान हम लाते हैं तो कम से कम काफ़ी जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ देखिए विम बार पर भी 12 रुपीज़ ऑफ है, यहाँ पे 30 रुपीज़ ऑफ है। तो यहाँ पे मैं विम बार उठा रही थी, तो मैं यहाँ पे 2 ले लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे लगभग 2 मंथ का सामान ले रही हूँ, क्योंकि पता नहीं आगे क्या सिचुएशन रहेगी। तो हमने यही सोचा कि 2 मंथ का ले लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आगे फिर अगर ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ऑनलाइन मंगा लिया करेंगे जो भी चाहिए। यहाँ पे मैं टाइड ले रही थी यहाँ पे जो है, और फिर थोड़ा थोड़ा ही मैंने शूट कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए 15 रुपीज़ का ऑफ है इस टाइप पे। तो इस तरह से काफ़ी सारी, जैसे शॉपिंग करो 5-6 हज़ार की शॉपिंग करो तो उस पर काफ़ी 500-600 या ऐसे छूट हो जाती है सारे सामान। तो अभी देखिए हमने तो यहाँ पे सामान हमने सब ले पूरी लिया है, शॉपिंग अपनी ज़्यादा कर ज़्यादा ली ले लिया, है, और क्योंकि यहाँ अब देखिए दो लॉकडाउन ट्रॉली लगने एक एक वाला है करके तो हमने ले फिर लिया है, बहुत और मुश्किल हो इतने सारे जाएगा। बैग लेके आई थी और मैं, इतनी सारे सारी फुल थैली हो ले गए गई थे तो और कम सामान भी पड़ेगी, नहीं आया, इतना मतलब ज़्यादा दो हमने महीने का लिया। सामान ले लिया सोचा है कि अब ले ताकि लेते हैं, नहीं जल्दी तो से ले फिर लेना क्या है कि पड़े। अब अपने पसंद के हिसाब से ले लो, नहीं तो तो अभी मंगाने हम में डी फिर वो मार्ट में क्या आए होता है, थे, कैसा आता है, कभी बिल्कुल उल्टा सही सीधा कह भी रहे आ हैं आप। जाता है। तो बस यही गए हैं गाड़ी लेने के लिए, मैं खड़ी थी तो मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लेती हूँ, तो ये नीचे आए हैं गाड़ी लेने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक बच्ची आ गई थी, कुछ मांग रही थी, पैसे मांग रही थी, तो मैंने उसको दिया। उसके बाद हम घर आने के बाद फिर मैंने जो है मलाई निकाल के रखी हुई थी, तो उसका मैंने यहाँ पे मक्खन बनाया और घी बनाया। ये शाम का ही टाइम है, क्योंकि तो हम ये ऑफिस से आए थे, उसके बाद ही हम गए थे, तो यहाँ से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था कि चलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, कि मैं क्या क्या चीज़ें अपनी ज़रूरत की लेके आई हूँ। अगर आप लोग जो है जानना चाहते हैं तो बताऊँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा घी बन गया था, ठंडा हो गया था, फिर मैंने छान लिया था। देखिए यहाँ पे मैंने 15 दिन की मलाई का घी निकाला है, लगभग आधा किलो के बराबर घी निकल गया। खाने के लिए घर का घी अच्छा रहता है। आए हैं, उनको मैं रखूँगी, और साथ में मैंने सोचा कि आप सबसे बातें भी करती रहूँगी। तो ये देखिए ये आयरन के कपड़े आ गए, मैं लगा दूँ, रखने दो बेटा, अपनी सावन के लिए मुझे वो बॉक्स पहुंचा दो, रखना है ये द बॉक्स। क्या करना है उसका? मेरे कपड़े हैं वो मैं मेरे ही जाने यहाँ पे मैं कपड़े सेट कर रही थी, और ये जो है दोपहर की क्लिप थी, ये आगे पीछे हो गई है।
तो यहाँ पे मैं इनके कपड़े इनकी अलमारी में सेट कर रही हूँ और फिर मैं अपने अपने में सेट कर दूँगी। तो ये मेरा जो है दोनों काम हो जाएगा एक साथ। तो मैं यहाँ पे सेट करके रख देती हूँ सब, तो इनको आराम रहता है, अपना निकालते पहनते हैं और सब अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए मैंने अपने कपड़े भी सेट कर दिए हैं। अलमारी की भी अलमारी ठीक करनी है मुझे, वो भी एक काम है, बाहर जाने वाले हैं। इस तरह का मैं और मंगाने वाली हूँ, दो हैं, इसमें रख दो तो अच्छे से रहते हैं, गिरते नहीं हैं। ये दो मेरे यहाँ पे और सेट हो जाएंगे मेरी कबर्ड में, तो यहाँ पे के लिए मैं दो और मंगाने वाली हूँ। और आप लोग को चाहिए तो बताइए, गाड़ी का हाथ नहीं दिखाओ शैतानी नहीं करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आप सबको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, मैंने मंगाई थी, बहुत ही प्यारी लगी मुझे। तो क्या चीज़ है वो है इयर रिंग, और अभी मैं ये मेरी तीसरी इयर रिंग है मीशो से, और मुझे मीशो से बहुत अच्छा लगा शॉपिंग करके। और ये देखिए मैंने मीशो से शॉपिंग करी है, और ये इयर रिंग्स मैं कैसी मंगाई हूँ आपको दिखाती हूँ। और मैंने दो इससे पहले मंगाई, वो भी बहुत प्यारी थी, और ये भी मुझे पसंद आई तो मैंने ये भी मंगा ली। तो अच्छे से इस तरह के डब्बे में आया है पैक करके, और ये देखिए कैसी है आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने देखी थी तो ही मैंने इसको ले लिया था। ये देखिए वाओ कितना प्यारा है ना, वाओ। ये वाली इयर रिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये मुझे कितने की मिली है अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगी अपने अगले वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूंगी। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग क्या मेरे ब्लॉग में देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो चलिए जो है कल का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अपनी एक पिक शेयर की थी आप लोगों के साथ, जो कि मेरी शादी से पहले की पिक थी, और वो काफ़ी पुरानी पिक है, मतलब कि जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब की पिक है, मीन्स कि आज से 20 साल पुरानी। तो उस पिक मैं ऐसे ही देख रही थी, एल्बम मुझे मिल गई थी तो उसमें वो फ़ोटो मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूं। तो कल के ब्लॉग में वो फ़ोटो मैंने शेयर की थी, तो उसमें एक कमेंट था गांव की पूजा का, गांव की पूजा ब्लॉग उनके चैनल का नेम है, और अभी अभी जस्ट उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। तो उनका जो है आप जो लोग भी देखना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें। और उन्होंने पूछा था कि दी आप पहले बहुत पतली थी, अब आप मोटी कैसे हो गई। तो बस उन्हीं के मतलब पूछने पे मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये कि मैं कैसे मोटी हो गई पतली से मोटी। लेकिन देखो मैं पतली तो कभी नहीं थी, और कहते हैं ना खाते पीते घर की, तो बस वही था कि मेरे फैमिली में सभी लोग ठीक ठाक हैं, हेल्दी हैं, और थोड़े मीन्स कि शुरू से बचपन से ही मैं गोलू मोलू थी, तो ऐसा नहीं पतली थी, लेकिन हाँ इतना वेट नहीं था। जो मेरा वेट बढ़ा है वो मेरे फर्स्ट बेबी के बाद बढ़ा था, जब मेरा बेटा था होने वाला तो मेरा 15 kg वेट बढ़ा था, और वो 15 kg कभी भी कम नहीं हुआ, बस ऊपर नीचे होता रहा, 1-2 kg बहुत मेहनत किया तो कम हुआ, 1-2 kg बहुत बढ़ गया। तो उस टाइम पे ही मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया था कि वो वेट मेरा कम ही नहीं हुआ। और अब सबको पता ही है कि जब पहला बेबी होता है तो लोग कितने शौक से सब खिलाते पिलाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, घी वाली चीज़ें खाई जाती है। पहले इतना ज़्यादा तो नहीं खाया था, पूछा आपने पूछा था तो मैंने बता दिया, और मैंने सोचा अपने वीडियो में बता दूँ और आपके चैनल का नाम भी ले लेती हूँ, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बीच बीच में आरिका डिस्टर्ब कर रही है, तो उसके लिए आप लोग से सॉरी, बीच में आरिका बोलो नहीं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए बोल भी देती हूँ अपने वीडियो में। तो प्लीज़ आप सब लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप पूजा को ज़रूर एक बार देखें, उनके चैनल को विजिट करें, उनके चैनल का नाम है गाँव की पूजा ब्लॉग्स।
तो बस इतना ही बोलना था। तो अभी मेरा टाइम हो गया है 4:45 और अब मेरे हस्बैंड आने वाले हैं थोड़े देर में। मेरा अभी टाइम है पुष्पलता किचन के लिए वीडियो तैयार करना, जो कि मेरा 7:30 और 8 के आसपास जाता है, और मेरा ब्लॉग भी इसी टाइम पे लगभग जाता है। तो बस अभी मेरा थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है, तो वो मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोग से शाम के टाइम में मिलूँगी, और नहीं तो फिर ये ब्लॉग का एंड यहीं पे कर दूँगी। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर।